वसई पेल्हार पुलिस स्टेशन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध जांच शाखा टीम ने हाईवे पर जबरन लूटपाट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि मामले में एक नाबालिग भी शामिल है। इनके गिरफ्तारी से 13 मोबाइल व अपराध करने के लिए इस्तेमाल की गई एक पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कुल मिलाकर 2,31,000 रुपये का माल बरामद किया गया है तथा 8 अपराधों का खुलासा भी किया गया है। ये हाईवे पर मोबाइल स्नैचिंग के बहुत सारे गुने हुए थे, इसलिए हमारे सीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब, हमारे डीसीपी बाउचे साहब, उन्होंने कहा कि थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और फिर हम सब लोग मिल के यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री लब्धे साहब और उनकी डिटेक्शन टीम, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग शुरू किया। और जहाँ जहाँ ये मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई, उन्होंने खास करके शोभन पटेल और उनकी डिटेक्शन टीम जो है, उन्होंने कम से कम 35 से 40 सीसीटीवी कैमरा वो चेक किए। वो चेक करने के बाद में उनको 3 लोग ये वहाँ पर आइडेंटिफाई किए उन्होंने। उसमें से एक जो लड़का है वो विधि संघर्ष है, यानी वो माइनर है, और 2 बड़े हैं। उसका मुखिया सपन जी सुरेंद्र प्रसाद है, जिसकी उम्र 18 साल है, और एक शिवाशंकर सरोज है, उसकी उम्र 19 साल की है। ये तीनों ने मिलके कम से कम हमने 8 गुने डिटेक्ट किए, उसमें से 4 पेल्हार के, 3 वालिब के और 1 नायगांव का है। उसमें से कम 13 मोबाइल बरामद हुए और 1 पल्सर मोटरसाइकिल, जिनकी कुल मिला के कीमत है 2,31,000। जो लोग हाईवे पर बेसावध है, अपने काम में थोड़ा व्यस्त है, और ऐसे टारगेट देख के उनके ऊपर वो निशाना लगा के उनका मोबाइल वो छीन लेते थे। ये आरोपी वाली पोल्यूशन के अंदर खैरपाड़ा करके है, भागे रहने वाले। ये खास करके हाईवे पे जो गाड़ियाँ रुकते हैं, गाड़ियाँ जा रहे हैं, जो गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं, जो बुजुर्ग है और जो बेसावध है, खास करके जिनका अकेले है, जो अपने काम में व्यस्त है, जो उनका पीछा नहीं कर सकते, ये उनका मोबाइल खींचकर मोटरसाइकिल पे भाग जाते हैं।